तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, खासकर फ्रेशर्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, कि कितने टाइप के इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है कि कितने टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम नंबर वन, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एग्जाम नंबर वन की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम की, दैट इज UPPCL। UPPCL को बोलते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका एग्जाम बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए आता है, ठीक है। इसका एग्जाम जो होता है बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए आता है, तो आपको ये एग्जाम भरना, यानी कि इसका जो UPPCL का एग्जाम है वो बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी लाता है, डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी लाता है, और ITI वालों के लिए भी वैकेंसी लाता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हम तीनों की मिक्स करके बात बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल बंदा हो किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है। तो UPPCL जो है वो बीटेक इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी लाता रहता है। तो अगर कोई बीटेक वाला इलेक्ट्रिकल से है और डिप्लोमा वाला इलेक्ट्रिकल से है या फिर ITI करे हुए हैं, तो आप UPPCL में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। Why? Because it is a core electrical company, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है। Second, SSC JEE का एग्जाम आप दे सकते हैं। मतलब UPPCL के साथ साथ SSC JEE की भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो SSC JEE आप दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम जो है हमारे पास फेमस SSC JEE वो होता है इंजीनियरिंग ESC एग्जामिनेशन, ठीक है। ये बीटेक वालों के लिए होता है, मतलब मिक्स बता रहा हूँ मैं सारे, डिप्लोमा बीटेक जो भी है, ठीक है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी ज्यादा है तो सबके लिए। ESC को बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये बीटेक वालों के लिए एग्जामिनेशन होता है IES बनने के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने के लिए। तो बीटेक स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ग्रुप ए ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। फोर्थ जो एग्जाम होता है वो होता है आपका UP SSC JEE, ठीक है। UP SSC JEE पैसेंजर गाड़ी है UP, ठीक है, ये पैसेंजर गाड़ी है, ठीक है। UPPCL एक्सप्रेस है, ये पैसेंजर है, ठीक है। इसका कोई भरोसा नहीं होता है कब तक एग्जाम कराएगा, रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। तो ये पैसेंजर है, जैसे सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर होती है ना, लेट ही चलती है हमेशा, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, ठीक है। इसी तरीके से UP SSC को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर मान लो आप, ठीक है, ये लेट ही चलेगी हमेशा, ठीक है। लक्सर में 1 घंटा रुकेगी, उसके बाद मुरादाबाद में 2 घंटा रुकेगी, ठीक है, जैसे सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर होती है। इसी तरीके से UP SSC JEE जो है वो पैसेंजर मान लो आप इसको, बहुत ही बेकार पैसेंजर, ठीक है, पर क्योंकि वैकेंसी आती है तो भरना है आपको। सिक्स, UPPSC AE, UPPSC AE असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, ये भर सकते हैं, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। सेवन्थ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का डिप्लोमा ट्रेनी का एग्जाम होता है, ठीक है, ये डिप्लोमा वालों के लिए कंपलसरी होता है, ये भर सकते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। और बीटेक में अब पावर ग्रिड के लिए गेट कर दिया गया है, बीटेक में पावर ग्रिड के लिए गेट का स्कोर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, PGCIL की वैकेंसी आ रखी है डिप्लोमा ट्रेनिंग की,
और बीटेक के लिए गेट का रिश्ता है, ठीक है। उसके बाद जो आठवां हमारे पास पर्टिकुलर एग्जाम है, एट्थ एग्जामिनेशन, वो कौन सा है फेमस में? तो आरआरबी जेई का एग्जाम, आरआरबी जेई का एग्जाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये भी पैसेंजर गाड़ी है, ठीक है, आरआरबी जेई पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। तो इसको कौन सा, इसको कौन सी पैसेंजर गाड़ी का नाम दें? ये है, हाँ, आरआरबी जेई पैसेंजर गाड़ी है, ठीक है। ये है सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर की तरह, ठीक है, लेट लद्दाख होती है ये, ठीक है, और सुबह चलती है ये, और दोपहर को कहीं सुबह लगा लो कितने बजे, ये चलती है 5:01 के करीब चलती है, ठीक है, और ये कहीं 11-12 बजे तक जाके दिल्ली पहुंचती है, ठीक है। तो क्योंकि इसको साइड साइड में लगाते रहते हैं, तो आरआरबी जेई को पैसेंजर ट्रेन मान लो, ठीक है। फिर आरआरबी एसएससी भी होता है, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम, ठीक है, ये भी आप भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है, वो जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं LMRC असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम, ठीक है, ये भी आप भर सकते हैं। LMRC AM का 9th, 11th, LMRC JE का, ठीक है, ये एग्जाम भी आता है, और एक आता है LMRC ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है जो आपने भरना है वो होता है LMRC JE का, लखनऊ मेट्रो JE का, ठीक है। और उसके बाद जो है LMRC JE के बाद DMRC JE, DMRC JE भी आता है, और DMRC AM भी आता है, ठीक है, और एक और एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता चल जाएगा, उसका नाम है HVPNL AE, ये गेट से आता है, ठीक है। IOCL इंजीनियर ट्रेनी, ये भी गेट से आता है, ठीक है। IOCL इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये डिप्लोमा का आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है BPCL इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये भी डिप्लोमा का होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिख दिए हैं जो बीटेक और डिप्लोमा को रिक्रूट करती है, लेकिन इनमें एग्जाम और स्किल टेस्ट होता है। जैसे IOCL में जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है डिप्लोमा की होती है, और इसमें स्किल टेस्ट भी होता है। IOCL इंजीनियर ट्रेनिंग को गेट से लेता है, BPCL इंजीनियर ट्रेनिंग को गेट से लेता है, डिप्लोमा के लिए अलग एग्जाम कराता है, ठीक है। उसके बाद NHPC JE दे सकते हैं आप, ठीक है, NHPC JE दे सकते हैं, और NHPC AE गेट से लेता है। तो अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बीटेक और डिप्लोमा वालों की, कि NHPC AE कहाँ से लेता है, NHPC AE गेट से लेता है। उसके बाद उत्तराखंड में एक फेमस एग्जाम होता है UKPSC JE, ये दे सकते हैं, और UKPSC
ए भी दे सकते हैं। और इसके अलावा एक अलग से एग्ज़ाम भी होता है उत्तराखंड में, उसको बोलते हैं UPCL, UKPCL और पिटकुल AJEE। ये दोनों भी आते हैं, इसको बोलते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो होपफुली ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये होते रहते हैं और आपको देने चाहिए। एक दो एग्ज़ाम और भी लिख लेता हूँ जो बच्चों को पता नहीं होते लेकिन आ जाते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। NBCC JEE, इसको बोलते हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी निकालता है, ठीक है। NFL इंजीनियरिंग असिस्टेंट, NFL इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ठीक है। और MPRL ये होता है मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रो केमिकल लिमिटेड, एक ये भी आता है, इसमें भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट आती है, ठीक है। एक और आता है एग्ज़ाम लेकिन यह इसमें डोमिसाइल मांगता है, उसको बोलते हैं ONGC। ये गेट से लेता है बीटेक वाले को, ठीक है, गेट से लेगा बीटेक वाले को ONGC। ONGC क्या करेगा, गेट से बीटेक वाले को लेगा डिप्लोमा वालों के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम लेता है और डोमिसाइल मांगता है, ठीक है। ये ONGC का भी फंडा क्लियर कर देता हूँ। जैसे ONGC का अगर कोई प्लांट गुजरात में रहा तो ये गुजरात का डोमिसाइल मांगता है डिप्लोमा पे, और बीटेक में ये गेट से लेता है गुजरात की रिफाइनरी पे, ठीक है। ONGC में जॉब गुजरात साइड ही लगती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने बता दिए हैं, सबका प्रोसीजर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है, ठीक है। इससे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, कहाँ पे कौन सा एलिजिबल है, कहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ IOCL इंजीनियरिंग असिस्टेंट में डिप्लोमा है, BPCL इंजीनियरिंग असिस्टेंट में डिप्लोमा है, HVPNL SDO को कहाँ से लेता है, ए को गेट से, ताकि कोई बीटेक वाला भी देख रहा हो तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे मुझे गेट देना है, यहाँ पे मुझे ऐसे जाना है। IOCL इंजीनियरिंग करके गेट से लेता है, DMRC असिस्टेंट मैनेजर अलग, JEE अलग, ये सब, ठीक है, सारा लिख दिया है। नमस्कार, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।